नेताजी को जहां ले जाना हो आप ले जाइए। हाँ नेताजी आप बैठ जाइए, मुस्कुरा के आप ना मेरा यूं दिल जलाइए, वाह आपको हमारी कसम बैठ जाइए। हाँ हाँ मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ईश्वर सैन डिग्री कॉलेज में 2013 में उपमंत्री था। वाह एक लड़की हमसे कहे नेताजी आप कैसे हैं, हमने कहा अगर आप नेताजी कह दिए तो आपको चोर डाकू कहने की आवश्यकता नहीं है। वाह तब मैंने कहा देश को लूटो खाओ करो ना शरम, देश को लूटो खाओ करो ना शरम, देश को लूटना है आपका धर्म, बेच दो वतन की आन बान शान को, बने बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम। वाह 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 बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम। आज देश की स्थिति बड़ी डावाडोल है, हमारी भाभी वर्तमान में प्रधान है। एक सज्जन हमारे भैया से पूछे आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम प्रधानपति हैं। अच्छा तो हमने कहा आप तो राष्ट्रपति से बड़े हैं। कहन आप कौन हैं, तो हमने कहा हम प्रधान देवर हैं। वाह वाह प्रधान देवर। बंद कराब आलू गंजी बोब गेहूं धान, हाँ बंद कराब आलू गंजी बोब गेहूं धान, अब की सैया लड़ा इलेक्शन हो जाता प्रधान। वाह हो जाता प्रधान बलंत अपने बोलत तूती, बढ़िया कट्टा खोज के चलता ले लेता मारूति। लग रहा यहाँ के प्रधान सही है, सही है। हमारे गांव में तो एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ था, पहले ऑपरेशन में ईटा निकला जी, दूसरे ऑपरेशन में खड़ंजा निकला, हमने कहा प्रधान जी तीसरा कराइए पूरा भट्टे निकल जाए। बहुत बहुत जोरदार तालियां, एक अच्छा संदेश दिया भाई। पूरा करने चले जनता का अरमान थे, चोर डाकू जाहिल बेईमान थे, हाँ जब उठाया गया खादी का लिबास तब पता चला तो गांव के प्रधान थे। अरे सौ में 70% पाए जाते हो बेईमान, सौ में 70% पाए जाते हो बेईमान, चोरी लूट डकैती में हर पल जिसका ध्यान, जूता लात खाने में प्राप्त जिन्हें वरदान, ऐसे वीर योगी पुरुष बनते हैं प्रधान, ऐसे वीर योगी पुरुष बनते हैं प्रधान। हाँ आपके काम की बात हो रही है, हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी हैं, इनके संस्कारों से हमें लगा देश में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो माँ सरस्वती के मंच पे जूता उतार के चढ़ा हो, इनका संस्कार वाकई में काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए मनोज भैया हम लोग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण दे, हाँ जैसे पचही फेल अठही फेल नवही फेल जी, सुदामा पांडे भूमि लिखते हैं, एक रोटी बेलता एक रोटी सेकता, एक वो है ना रोटी बेलता ना रोटी सेकता है, सिर्फ रोटियों से खेलता है, खेलता। जब मैं पूछा तीसरा आदमी कौन, तो मेरे देश के संसद मौन। तब विक्टर सुल्तानपुरी कहता है स्वागत। एक बार एक नेता जी मेरे पड़ोसी के हाथ तेरहवीं पर पधारे, हाँ एक बार एक नेता जी मेरे पड़ोसी के हाथ तेरहवीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, हाँ सिर्फ आधा गिलास पानी पिया, खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया, कहा भाइयों और बहनों, हाँ इस तेरहवीं के शुभ त्योहार में आकर अरे और खाना खाकर, हाँ मुझे अति प्रसन्नता हुई, भगवान करे या तेरहवीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता रहे, प्रतिवर्ष होता रहे। वाह अंत में तलब उठ रही थी, हाँ कहे विक्टर भाई एक पहलवान छाप बीड़ी तो पिलवाइये, जिनकी तेरहवीं हो जा रही है। वाह 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 हमको हाँ पूछ ली, देश के बड़े बड़े कवि बैठे हैं, सही है कि नहीं सही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आप लोग जब ताली बजाते हैं एकदम बिल्कुल ताली बानी लगते हैं। तो मेरे मित्र ने कहा पहले प्यार में आंखों से एक्सीडेंट होता है, हाँ जो हमारी तरह दो चार लटखोर आशिक हों ध्यान से सुने, पहले प्यार में आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है, अगर तुम प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। देखिए मैंने कहा मेरे दिल को तोड़कर तुम निकल जाओगे, हाँ गैर की बाह में जाकर संभल जाओगे, तुमको ओटर का जैसा चाहूंगा पर तुम ईवीएम की तरह बदल जाओगे, तुम ईवीएम की तरह बदल जाओगे। तब मैंने कहा ये नाम कहीं आपका बदनाम ना हो जाए,
कि नाम कहीं आपका बदनाम ना हो जाए, चर्चा गली गली में यही आम ना हो जाए। दाढ़ी बढ़ा रहा है जो चेहरे पे आजकल, डर है वो भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाए, डर है वो भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाए। और चार पंक्तियां इसी वैरायटी की है, उसमें जी जी, शुगर होता न गर मिठाई छोड़ देता मैं, शुगर होता न गर मिठाई छोड़ देता मैं, मोटापा भी न आता गर मलाई छोड़ देता मैं, नहीं बनता अगर पीएम विधायक ही बना होता, जो शादी करके फिर अपनी लुगाई छोड़ देता मैं, जो शादी करके फिर अपनी लुगाई छोड़ देता मैं। तेज नुकीले बाणों से डर लगता है, हाँ तेज, हाँ तेज नुकीले बाणों से डर लगता है, छठे सियासी भाणों से डर लगता है, चढ़ जाते हैं पूरी फसल झुंड में आकर के, बाबा तेरे साड़ों से डर लगता है, बाबा तेरे साड़ों से डर लगता है। आप लोग पीड़ित हैं, हमारे दादाजी ने कहा बेटा विक्टर हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, आज तक हमने भूत नहीं देखा, भूत कहना आज तक हमने भूत नहीं देखा। हमारे गांव के बगल में एक गांव में पता था 8 बजे रात में भूत आते हैं। हम अपने दादाजी को लेकर उस गांव में पहुंच गए, एक आदमी कुएं पे पानी भर रहा था। हमने कहा चाचा ये बताओ इस गांव में भूत आते हैं, तो उस आदमी ने कहा हमको क्या पता, हमको खुद ही मेरे 40 साल हो गए। एक बार हम अखिलेश दादा जा रहे थे कहीं कब सम्मेलन में, एक मारुति जा रही थी, मारुति के पीछे लिखा था आया सावन झूम के, मारुति के पीछे लिखा था आया सावन झूम के, उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ गया था, ट्रक के पीछे मारुति के पीछे लिखा था सावन को आने दो, उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ गई थी, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। एक बार जो एक बार ताली बजाइए, हमारे बीच में फेरिश लंबी है, कविताएं भी पढ़ना है, हम तो वीर रस के कवि हैं नहीं, वीर रस के जो मंच पे ललकार रहे थे, शब्दों से दुश्मनों को फुफकार रहे थे, इन वीर रस के कवियों को देखा है एक दिन, बीबी की जगह खुद ही झाड़ू मार रहे थे, बीबी की जगह खुद ही झाड़ू मार रहे थे। ये बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छी पब्लिक है, लोग तालियों के भूखे होते हैं। मैं 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, स्वागत, स्वागत। एक दहेज को मैंने लिखा, सबको दहेज का अगर भाषण देना कह दिया जाए, सब बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, तो मैंने कहा एक सज्जन चौराहे पर भाषण सुना रहे थे, एक सज्जन चौराहे पर भाषण सुना रहे थे, दहेज के कायदे कानून गिना रहे थे, कह रहे थे दहेज लेना पाप नहीं महापाप होता है, हर आदमी किसी न किसी बेटी का बाप होता है, क्या हमारा कानून कभी जागेगा, इन दहेज के लोभियों को फांसी पर टांगेगा। लेकिन अफसोस इस राखी पर एक भाई की सूनी कलाई गई, जो सज्जन चौराहे पर भाषण दे रहे थे, सुबह अखबार में खबर आई उन्हीं के घर में बहू जलाई गई, उन्हीं के घर में बहू जलाई गई, वाह वाह उन्हीं के घर में बहू जलाई गई, वाह। अमित भैया ने इतना बढ़िया सम्मान किया, सबको किसी को यामा दिया, किसी को मैला आंचल दिया, ये हमको पूरा पैजामा दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइए, इन्होंने माला पहनाया, बड़ा अच्छा लगा। देखिए हमने कहा एक बनारस में, इस तरह कविता हालांकि पढ़ते नहीं है, एक बनारस में आप लोग पुलिस होता है, बनारस में एक ब्रिज गिर जाता है, उस ब्रिज के नीचे कई मौतें हो जाती हैं। तब मैंने वहां कविता लिखने का काम किया, संतोष भैया और हमारे आदरणीय मधु जी हैं, अजय प्रेमी जी हैं। एक बार थोड़ा जोरदार माहौल मुझे तालियां बजाइए। एक इंजीनियर के खेत में जब हुआ दर्द, एक शब्द सुनिएगा, ताली बिल्कुल मत बजाइएगा। एक इंजीनियर के पेट में जब हुआ दर्द, फौरन हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर साहब फरमाए महोदय आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। यह सुनकर इंजीनियर हो रहा था अचंभा, क्योंकि उसका ऑपरेशन था लंबा। ऑपरेशन की जब पहली प्रत हटाई, एक नर्स जोर से चिल्लाई, डॉक्टरों की गुम हो गई सिट्टी पिट्टी, जब ऑपरेशन से निकला सीमेंट सरिया रेता और गिट्टी, जब ऑपरेशन से निकला सीमेंट सरिया रेता और गिट्टी, दूसरे ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम के मुंह पर लग गए ताले, क्योंकि तारकोल पीते 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 इंजीनियर साहब के खून पड़ गए थे काले, इंजीनियर साहब के खून पड़ गए थे तक काले। तीसरे ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम उदास थी, क्योंकि
इस बार ऑपरेशन से निकल रहे कुछ मजदूरों की लाश थी, कुछ मजदूरों की लाश थी। वाह वाह। चौथे ऑपरेशन में एक डॉक्टर रोने लगा, क्योंकि वह दिल का बहुत सच्चा था। इस बार ऑपरेशन से एक मजदूर महिला की लाश निकली, जिसके पेट में बच्चा था, जिसके बहुत